يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان فقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم. محترم السامعين الكرام، सबसे पहले तो मैं अपनी मेमन कम्युनिटी के तमाम अहदेदारों का और मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बाबरकत प्रोग्राम का इनेकाद फरमाया। रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा उनसे खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते और उन्हें हमेशा नेकी की तौफीक अता फरमाए, उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बने। मेरे मोहतरम और मकरम सामईन किराम, आज हम जिस प्रोग्राम में और जिस मकसद के लिए तशरीफ फरमा है वो ये है कि आज शाबान और मुअज्जम के तकरीबन यहाँ सऊदी अरब के हिसाब से 28 तारीख है और करीब एक दो दिन के बाद माह रमजान अल मुबारक शुरू होने वाला है। रमजान अल मुबारक ये तमाम महीनों का सरदार महीना है और इसकी बहुत बड़ी अजमत है, बहुत बड़ी कदर है अल्लाह के यहाँ। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी इस माह मुबारक की अजमत को, इसकी कदर को बढ़ा चढ़ा कर जरूर बयान फरमाते। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक से 2-3 महीने पहले दुआ फरमाते हैं, اللهم باركنا وفي رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضان. رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کی مبارک کی ساعتوں تک اور رمضان المبارک کی بہترین گھڑیوں تک ہمیں زندہ رکھنا और हमें रमजान मुबारक तक पहुंचाना ताकि हम उससे मुस्तफीद हो सके। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं, रमजान मुबारक सही बात है, अल्लाहुम्मा सल्लिफ ली रमजान वसल्लिफ ली वतसल्लमह मिन्नी मुतकब्बला। या रब्बी ज़ुल जलाल, हमें रमजान मुबारक के महीने की आमद तक सही सलामत तंदुरुस्त रखना और रमजान मुबारक के महीने को भी हमारे लिए सलामत रखना। कि इस रमजान मुबारक में जो आमाल हम करें उन सारे आमाल को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक की आमद का बहुत एहतमाम फरमाते, बहुत एहतमाम से इंतजार फरमाते। इसलिए अकाबरीन उम्मत और सलफ सालिहीन का ये मामूल रहा कि रमजान मुबारक की आमद से 6 महीने पहले ये दुआ फरमाते हैं कि या रब्बे ज़ुल जलाल, हमें आने वाले रमजान मुबारक में सही सलामत रखें। और फिर जब रमजान मुबारक का महीना गुजर जाता तो फिर 6 महीने दुआ फरमाते हैं कि या रब्बे करीम,
हमने रमजान में आमाल किए, उन आमाल को कबूली कर जाता फरमा, उनको मकबूल फरमा। तो इतना बड़ा एहतमाम। और हादिस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान में मुबारक आमद से कुछ लम्हात पहले इरशाद फरमाया, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की मशहूर हदीस है, खातम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम नबी आदम सलात व सलाम जब फरमा कर खुद का इरशाद फरमाया, अतम शहर रमजान फरमाया, आपके बड़े रमजान मुबारक का महीना आ गया। फरमाया बहुत अजमत वाला महीना है शहर रमजान, फरमाया शहरुल अज़ीम मुबारक बरकत वाला महीना है। और फिर इरशाद फरमाया फीही लैलतुल ख़ैर मिन अल्फ शहर, इसमें एक रात ऐसी है कि जो 1,000 महीनों की इबादत से अफजल है, अगर उसमें की जाए। तो गर्ज ये है कि रमजान मुबारक की महीने के आमद से पहले उसका एहतमाम करें कि ये जो इतना बड़ा अजमत वाला महीना आ रहा है, हम इससे कैसे इस्तेफादा हासिल करें, इस रमजान मुबारक को हम कैसे गुजारें। ये जो आज हमारी महफिल है, इसमें हम उन आमाल का, उन बातों का और उन कामों का तस्करा करेंगे कि जो हम रमजान मुबारक में करें और जो सुन्नत से साबित भी हो, और उनके करने से हम रमजान मुबारक के मकसद जो है, उसका जो हुसूल है, उस तक पहुंच सकें। क्योंकि अगर हम रमजान मुबारक को इतना बड़ा महीना, जिसको महीनों का सरदार कहा गया, और इतना बड़ा महीना जिसकी अजमत क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम किताबों का, तमाम इल्हामी किताबों का, तमाम सहीफों का जो सरदार किताब है कुरान मजीद, वो इस महीने में अल्लाह ने नाजिल फरमाया। इसीलिए कुरान करीम ने क्या फरमाया, शहर रमजान उन्जिला फीहिल कुरान, फरमाया कि रमजान मुबारक का महीना ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। और फिर इस महीने में ये अल्लाह ने जो कुरान रमजान में नाजिल फरमाया वो लैलतुल कदर में है। और फिर उसी वजह से उस लैलतुल कदर की अज़मत, फरमाया कि लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, 1,000 महीनों से उसे जब इतना बड़ा अजमत वाला महीना है, तो लाजमी बात है उसका इस्तेमाल भी, उसकी जो आमद है उसको फिर हम उसी एहतमाम से समझें और उस पर अमल करें। लेकिन अगर रमजान मुबारक का महीना आ गया और हमने सही तरीके से उसमें आमाल नहीं किए, और रमजान मुबारक को हमने बख्शिश का जरिया नहीं बनाया, तो फिर ये रमजान मुबारक हमारे लिए अजाब का, वबाद का जरिया भी बन सकता है। क्योंकि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबी अलैहि सलात वसल्लम एक मिंबर पर चढ़े तो आपने एक सीढ़ी के ऊपर पांव रखा, आपने आमीन फरमाया। फिर आप दूसरी सीढ़ी के ऊपर पांव रखा, आपने आमीन फरमाया। फिर आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, तो फिर आपने आमीन फरमाया। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम ने जब खुतबा खत्म फरमाया, जब आप नीचे तशरीफ लाए, उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज आपने खिलाफ आदम के 3 मरतबा मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन के साथ फरमाया, इसका क्या मतलब था। आपने फरमाया, यकीन आपने सुना होगा, सुना होगा, फरमाया दरअसल इब्राहिम अलैहि सलाम को सलाम तशरीफ लाए गए और इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, दूसरी के ऊपर, तो हर एक सीढ़ी के ऊपर एक दुआ देते गए, इस पर आमीन भी कहता गया। फरमाया कि वो शख्स जो वालिदैन से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करके हलाक को बर्बाद हो, ऐसे शख्स आमीन का। फरमाया हलाकों बर्बाद हो वो शख्स जिसका, जिसके सामने मेरा नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया जाए और उस पर दरूद ना पड़े।
वो बहीन शख्स की हलाक उम्र बाद में उसके बराबर। और फिर फरमाते वो शख्स जो रमजान मुबारक जैसा अजीम बरकतों वाला महीना पाले और वो उसको सही इस्तेमाल ना करे, उससे सही इस्तेमाल हासिल ना करे और उसमें ऐसी आमाद ना करे जो उसकी मगफिरत का जरिया बने, फरमाया कि वो भी हलाक हो बर्बाद। ऐसी सूरत में कहते नबी अली सलात वसलाम ने फरमाया कि जिब्राइल सलाम ये बतवा कि मैंने सुकुना पे। तो आप ये कि रमजान मुबारक का जो महीना आ रहा है इसमें नबी अली सलात वसलाम ने इस बतवा से भी बचे, इस बतवा में क्या शक हो सकता है कि बतवा के लिए भेजने वाली जात रब्बे जुल जलाल की है और इनकी जुबान मुबारक से इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम का दुआ कह रहे हैं और उसके ऊपर नबी अलैहि सलातो सलाम आमीन कह रहे हैं। आज हम किसी बुजुर्ग के पास अगर जाते हैं, किसी आलिम के पास, किसी सूफी के पास अगर हम जाते हैं, दीनदार के पास, और हम उनको दुआ के लिए कहते हैं और तो हमारी उम्मीद होती है कि वो अल्लाह का करीब बंदा है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। और हमने सुना होगा के के वो दीनदार आदमी उसकी शर से या उसकी बदुआ से बचे थे, लोग बहुत यकीन करते हैं आम दुनिया में दीनदार आदमी की बात। अब नबी आदमी सलाम अल्लाह के बाद का यहाँ सबसे बढ़िया वो अगर जिब्राइल आलि सलाम की बदुआ पर आमीन के थे तो क्या सको, तो अल्लाह ताला हम सब की बात करते हैं। तो गर्ज ये है कि ये रमजान मुबारक की जो आमद है इससे हम कैसे मुस्तफीद हो, उनके लिए चंद आमाल हैं। अब उन आमाल का तस्करा कर लेते हैं। सबसे पहला अमल रमजान मुबारक का महीना जब आए तो हम हाथ उठा के दो रकात शुक्राने के नफल पढ़ने और ये कि या रब फिर जलाल कायनात में कितने लोग थे, लाखों बिलियन बिलियन लोग थे, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग आज रमजान मुबारक का महीना आ रहा है वो इस दुनिया में नहीं है, इस अजमत से इस खैर से महरूम हो गए। या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने इतनी बड़ी नेमत को पाने की मुझे आपने मौका इनायत फरमाया और मैं इससे मुस्तफीद हो सकता, तो अल्लाह तेरा शुक्र है। और दूसरी चीज हम अपने दिल को साफ रखें, क्योंकि अगर दिल का बर्तन साफ नहीं है, दिल में किसी के बारे में हमने हसद रखा, कीना है, बुग्ज है, दुश्मनी है, नफरत है, किसी भी किस्म का हो, लिसानी हो, असबियत हो, मजहबी असबियत हो, खानदान बिरादरी को हो, नसब का हो, किसी भी चीज का हो, किसी भी मामले पर किसी के साथ कोई मामला है, तो रमजान मुबारक की आमद से पहले पहले हम उन मामला को निपटा दें। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर बरसगीर पाक हिंद में माहौल है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो फिर अपनी बिरादरी खानदान में सबसे मिलकर सुलह सफाई करके जाते हैं, भाई बड़े बड़े सफर पे जा रहा है, अल्लाह के घर पे जा रहा है, तो यहाँ लोग तो नाराज करते हैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता, लोगों से मिलके मना के अल्लाह के घर हाजिरी देते हैं। तो अब जब इतना बड़ा महीना आ रहा है तो इस महीने की अजमतों को पाने के लिए भी हम अपने दिल का जो बर्तन है उसको साफ कर सकते, तमाम लोगों के बारे में पूरे इंसानियत के बारे में अपने दिल को साफ कर सकते, क्योंकि अगर दिल का बर्तन साफ नहीं है, दिल में कीना है, हसद है, बुग्ज है, अंदर रूहानी गंदगी दिल में, तो फिर रमजान की जो मुबारक सात है, जो अनवारात है, बरकात है, नेकियां हैं, वो कैसे इस बर्तन से सागर होंगे, क्योंकि तमाम आमाल का असल मुहरिक जो है वो दिल का एक छोटा सा ही लोथड़ा है। जैसे कि हदीस में आता है कि जिस्म के अंदर सीने के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारे आमाल से बहुत ठीक निकलते हैं, वो इजाफा सद है, और जब वो दिल का टुकड़ा खराब हो जाए, दिल में खुलूस ना हो, इखलास ना हो, दिल में मोहब्बत ना हो, तो फिर उससे निकलने वाले सारे आमाल बुरे और फसाद का जरिया बने। तो इसलिए सबसे पहला अमल और यही असल इस्तिगफार रमजान है। अहादीस में आता है कि सहाबा इकराम से पूछा गया कैफ मुंतुम तस्तगफिरून रमजान,
कि आप रमजान मुबारक के महीने का इस्तेफाल कैसे कर लेते, तो क्या फरमाया? इरशाद फरमाया कि हम में से किसी के ऊपर भी रमजान मुबारक का महीना नहीं आता था इल्ला ये कि उसका दिल अपने मुसलमान भाइयों के बारे में हसद से, कीना से, बुग से, नफरत से पाक हुआ था। हो ही नहीं सकता था साहब इकराम के जमाने में भी कि रमजान मुबारक का महीना कल को शुरू होने वाला है और उसके दिल में किसी मुसलमान के बारे में कोई अदना से जर्रा बराबर भी कोई नफरत हो, कोई नहीं सकता था। इस तरह रमजान को मुबारक की आमद से पहले पहले उसको साफ। तो शुक्र के बाद दूसरा अमल जो रमजान मुबारक का है आमद से पहले करना है वो अपने दिलों को साफ करना है। और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं, 30 साल की उम्र में इस्लाम लाए और 36 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए और उसकी मौत पर अहदीस में आते हैं तस्बीह अर्श रहमान, अल्लाह का अर्श उसकी मौत पे हिल गया था और उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए, 70,000 फरिश्ते अल्लाह ने नाजिल फरमाए। अब ये 6 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में इस्लाम लाए और 36 साल की उम्र में दुनिया से तशरीफ लिए गए और रुतबा इतना बड़ा कि उसके मौत पर अल्लाह का हिले। कौन सा इतना बड़ा अमल था? वो एक ही चीज थी उसकी असर, कि उनका दिल, वो खुद फरमाते हैं कि मेरा दिल सारे मुसलमानों के बारे में साफ है। और उसके बाकायदा एक मशहूर वाकया भी है जो हमने पहले भी पढ़ा था, सुना भी था, वो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम महफ़िल में तशरीफ फरमाते थे तो आपने फरमाया कि आज इस दरवाजे से जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती होगा। तो एक सफेद रेश इंसान आया तो और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिनके साथ तशरीफ फरमाए तो देखा कि होते जो बात इंसान रज़ियल्लाहु अन्हु। दूसरे दिन नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ महफ़िल में तशरीफ फरमाते, फिर आपने फरमाया सुनो आज जो इस दरवाजे से मस्जिद नबी में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। और दूसरे दिन वही, फिर तीसरे दिन आपने फरमाया जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती होगी। तो अब तीन मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी के लिए ये बशारत अता फरमाई कि वो जन्नती। तो एक सहाबी फरमाते कि मैंने सोचा कि मुझसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार तो कोई नहीं दुनिया में, तो मैं देखूं कि इसका उसका कितना बड़ा अमल है। तो उसके बारे में आता है कि मैं उसके घर गया और उसके साथ मैंने एक क्लेरिक के तहत उसको ये बात की कि मैं वालिदैन से नाराज हो कि मुझे आपके घर एक दो दिन रहना है, लेकिन असल रहना उसने इसी काम के लिए था कि देखना था कि ये कौन सा इतना बड़ा अमल कर रहा है कि जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने इसके लिए दुनिया में 3 मरतबा जन्नत की बशारत अदा फरमाई। तो कह रहे मैंने 3 रातें उसके पास गुजारी और हर रात मैंने देखा कि मामूल के मुताबिक वो इशा की नमाज पढ़ता, इशा की नमाज के बाद आके सो जाता, सुबह नमाज के लिए उठता। कोई ऐसा अमल नहीं था जो उससे ज्यादा था। कहने बिलआखिर 3 दिन के बाद मैं वापस जाने लगा तो कहने मैंने अर्ज किया कि हजरत मैं तो आपके पास सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया था कि वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन आपके बारे में जन्नत की बशारत सुनाई, मैं वो अमल देखने आया था, वो कौन सा इतना बड़ा अमल है जो आपने किया है? तो कह रहे वो मुस्कराए, उसने दिल के तरफ इशारा किया, दिल के तरफ इशारा किया और क्या इशारा किया कि मेरा ये दिल तमाम मुसलमानों के बारे में हर किस्म की हसद से, नफरत से, दुख से, कीना से पाक है, बस यही एक अमल। तो साहब फरमाते कि मैंने कहा हाजा ये है वो अमल जो इतने बड़े रुतबे पर लेके गया, 6-7 दिनों में जिसकी मौत पे अल्लाह का अर्श ले और जिसकी जनाजे पे अल्लाह आसमान से 70,000 फरिश्तों को रहमत फरमाए। इतना बड़ा अमल, ये मामूली बात नहीं है। आज हमारे और आपके किसी दोस्त रिश्तेदार के जनाजे में कोई वजीर, कोई सूबाई वजीर, कोई MLA, MP कोई तशरीफ लाए तो लोग वो जो फोटो और तस्वीरें खेल के थकते नहीं है, शेयर करते करते थकते नहीं है। हाँ हमारा जनाजा इतना बड़ा, बड़े लोग तशरीफ लाए थे जिसके जनाजे में अल्लाह के आसमान से फरिश्ते नाजिल। तो वर्द ये है कि इस बारे में रमजान असल ये है, नंबर 1 हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इस महीने तक पहुंचा।
नंबर दो, दो तथहीर कल्ब, अपने दिल के बर्तन को साफ कर ले। और तीसरी चीज, गुनाहों से तौबा। क्योंकि ये दुनिया का मामूल है, अगर हमारी किसी इंसान के साथ अनबन है और वो शख्स उसने ऐलान किया है कि मैं लोगों को देने के लिए अपने खजानों के मैंने मुंह खोल दिए हैं, आ जाए जो मेरे खजाने से जो कुछ लेके जाना चाहे ले ले, और एक शख्स के उसके साथ नाराज किए खफ किए किसी बात के ऊपर, तो फिर क्या मुमकिन है कि वो उस नाराजगी में उसके पास जाए और उसको कुछ देगा? नहीं नहीं, पहले किसी रात सफाई करेगा और फिर उसके बाद उसे कुछ लेने के लिए आमादा हो सकेगा, उसका दिल दादी होगा। तो इससे अगर हमने अल्लाह को नाराज किए, बहुत सारे गुनाह किए, अल्लाह हमसे नाराज है, हम गुनाहों से भरे पड़े हैं, फिर इस वर्ष में कैसे हम रमजान के सवाल से सफेद हो सकते? इसलिए हम अल्लाह से तौबा कर लें, अपने तमाम कर्दा गुनाहों पर, सगीरा कबीरा, दिन के उजाले में, रोशनी में, रात की तारीखी में, तन्हाई में, या जाहिरन किए या लोगों से छुपे किए, तमाम गुनाहों पर अल्लाह मेरे सच्चे दिल से तौबा है, और अकेले के अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं कर, तो ये गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार रमज़ान का हिस्सा। अब जब रमजान मुबारक का महीना शुरू हो तो ये जो इतना बड़ा महीना जिसको हम बयान करने जा रहे हैं, तो उसका मकसद असल में क्या है? रमजान में, रमजान में कुछ अमल है, इसमें बड़ा अमल वो रमजान मुबारक का रोजा है। रमजान मुबारक का रोजा है, रमजान मुबारक का रोजा अल्लाह ने जो इस्लाम के पांच अहकाम है उसमें से एक रमजान मुबारक का रोजा रखना भी। हर आखिर बालिग मुसलमान तंदुरुस्त सही सलामत हो और आकिल बालिग हो उसके ऊपर रमजान मुबारक का रोजा फर्ज। लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है तो रोजा उसको फिर भी माफ नहीं, रोजा उसके ऊपर भी फर्ज है। लेकिन बीमारी की नौहियत क्या है? अगर उस बीमारी में वो रोजा रख सकता है तो रोजा रखेंगे, लेकिन अगर बीमारी की नौहियत ऐसी है उसमें रोजा नहीं रख सकता, तो फिर देखा जाएगा कि अगर अल्लाह उसको उस बीमारी के बाद सेहत अता फरमाता है तो उसकी कदाई करेगा। ऐसे अगर कोई शख्स हालत सफर में है, आजकल तो सफर बहुत आसान हो गए, जहाज में हो गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से रुख्सत है, इजाजत है कि अगर कोई शख्स सफर में है, शरी मसाफत सफर बन सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में उसको रोजा ना रखने की गुंजाइश है, लेकिन सफर के बाद उसकी कदाई करेगा। अब ऐसी सूरत हुई, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि रमजान मुबारक का महीना आ गया, वो बीमार था और रमजान मुबारक का महीना गुजर गया और उसकी बीमारी इतनी ज्यादा थी कि मौत तक और आइंदा जिंदगी कभी भी उसको दोबारा रोजा रखने की उम्मीद नहीं कि मैं रोजा रख रखूँ, कोई ताकत मिल जाएगी, मरीज या प्राथमिक स्टेज पे है कि उसके बाद दोबारा जवान होने की, सेहतमंद होने की उम्मीद नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में वो हर रोजे के बदले में इस्तिग़फ़ार है। इसी तरह हमारी माँ बहने औरतें जिनको अयामी महसूस आते हैं रमजान मुबारक में महीने में, उनके लिए भी वक्ती तौर पर इजाजत है कि रोजा ना रखें, लेकिन रमजान मुबारक का महीना गुजरने के बाद उसकी कदाई करेंगे। रमजान सूरत में माफ नहीं है, इसलिए हदीस में आता है कि अगर किसी शख्स ने रोजा छोड़ दिया तो गैर रमजान में पूरी जिंदगी भी अगर वो रोजा रखेगा तो एक रोजे के सवाब के बराबर नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी इतना। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन का रोजा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा रखता है, बहुत बड़ा मर्तबा रखता है, रुतबा रखता है। और इस रोजे का जो मकसद है, ये जो जिसकी इतनी अजमत है, उसका असल मकसद तक्वा है, जो कुरान करीम में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तो रोजे का जो ऑब्जेक्टिव है, रोजे का जो मकसद है, वो क्या है? तक्वा है। कि तक्वा का मतलब क्या है, सीधा साधा अल्फाज में, कि तमाम गुनाहों से बचना और नेक आमाल पर अमल करना, नेक आमाल करना, तमाम गुनाहों से बचना, नेक आमाल करना और हद दर्जा तमाम शुभा से, गुनाहों से बचना। अल्लाह की अजमत और बड़ाई और कदर दिल में हो, उस अजमत और बड़ाई की वजह से बुराइयों से छुटकारा पाना, नेकियों को हासिल करना, ये तक्वा कहलाता है। बेतक्वा कैसे हासिल होगा? उसके लिए कुछ आदाब है।
ये तकवा का हुसूल दारोमदार उस रोजे के आदाब पर है, क्योंकि हदीस में आता है, और ये उन आदाब के बगैर रोजे का जो मकसद जो तकवा है कि इंसान अपने आप को उसकी जो पाकीजगी है, तहारत है, उसकी जो प्योरिफिकेशन है, वो जो यानी नेकी के उस दर्जे पर पहुंचे के जिसको हम मुत्तकी शुमार करें, तकवा हासिल करें तो मुत्तकी बनेगा। तो ये कैसे हासिल होगा, उस स्टेज पर पहुंचेगा कैसे, यानी वो सबसे आला ग्रेड पर हो तकवा के लिहाज से, उसके लिए आमाल है। नंबर एक, सबसे पहले हम अपने आंखों की हिफाजत करें, आंखों से किसी बुरी चीज को ना देखें, किसी नामहरम को ना देखें आंखों से, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उन चीजों को छोड़ दें। इसी तरह दूसरी चीज, कानों की हिफाजत करना, हम अपने कानों से ऐसी कोई चीज ना सुने जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें मना फरमाया, दो चीजें। तीसरी चीज, जुबान, हम रमजान मुबारक के महीने में अपनी जुबान से किसी की गीबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई बयान ना करें, कम अज कम रमजान मुबारक के महीने में अपनी जुबान को हम लगाम दे दें। तीन चीजें। इसी तरह हमारे बाकी आजा और अंदाम से, हाथ से, पाँव से, ऐसा कोई अमल सरजद हो जो अल्लाह के अहकाम और नबी अलैहिस्सलाम के तौर तरीकों के खिलाफ, ये अमल करने के बाद। और अगर हम ऐसा यानी पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रोजा रखेंगे, तो फिर यकीनन उस रोजे से हमें यानी वो अल्लाह की अजमत और बड़ाई का जो इस्तेहजार है वो इस दर्जे का हासिल होगा कि फिर हम उससे तकवा हमें हासिल होगा। लेकिन अगर हम ये अमल करेंगे, यानी रमजान में किसी ने चुगली की, किसी ने गीबत की, किसी ने आंख से बुरी चीज देखी, कान से बुरा सुना, तो यकीनन रोजे का मकसद हासिल नहीं हुआ। अब जो रोजे का मकसद हासिल नहीं हुआ तो ये फिर ये सुबह से लेके शाम तक ये भूखा प्यासा रहना क्या फायदा। हदीस में आता है कि अस्सियाम जुन्ना, रोजा जो है ये इंसान के लिए गुनाहों से ढाल है। इंसान का रोजा हो तो इंसान कोई गुनाह का काम नहीं कर सकता। यानी कैसे मुमकिन है कि मैं और आप वो चीजें जो अल्लाह ने मेरे और आपके लिए हलाल की थी, खाना हलाल था, पीना हलाल था, ये सब कुछ जायज था, लेकिन मैं अल्लाह की अजमत और बड़ाई की वजह से, मैं रूप में अकेला हूँ, फ्रिज भरा हुआ है ठंडे पानी से, जिंदगी के खाने पीने की सारी चीजें मौजूद है, कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं पी रहा, क्यों नहीं कर रहा, कि अल्लाह देख रहा है मैंने उसके लिए रोजा रखा हुआ है। तो अल्लाह की जायज करदा चीजों को मैं अल्लाह के हुक्म पर नाजायज समझता हूँ, खाना पीना नहीं करता। तो फिर सवाल ये है कि वो चीजें जो असलन ही हराम है, गीबत है, चुगली है, बुराई है, ठीक है, तो ये वो जो चीजें जो असलन है ही बुरी और उसको रमजान में तो बहुत बुरा किया कहा गया, उसको मना किया, तो फिर हम उससे क्यों नहीं रुक रहे, अल्लाह की जायज करदा चीजों से हम रुक रहे लेकिन उसके मनहिया से नाजायज चीजों से नहीं रुक रहे, तो इसलिए तो रोजे का फायदा तो हासिल नहीं हुआ। इसलिए हदीस में आता है कि असिया मुजुन्ना, रोजा जो है इंसान के लिए ढाल है, मालम यखलुका, जब तक कि उसको ढाल को फाड़ ना दे। साहब ने पूछा, क्या रसूलल्लाह ढाल को फाड़ना, इंसान ये रोजा ढाल कैसे है, उसको फाड़ने का मतलब क्या है, तो आपने फरमाया कि उसके आदाब की रियायत ना करे। और इसलिए हदीस में आता है कि रुबा साइमिन, बहुत सारे रोजादार ऐसे होते हैं, फरमाया कि वो भूख के प्यासे तो रहते हैं लेकिन उनको सिवाय भूख और प्यास की और कोई चीज नहीं मिलती, क्यों, रोजा तो रखा था सुबह से शाम तक, भूखा प्यासा था, लेकिन इस भूख और प्यास के अलावा उसको और कोई चीज भी हासिल नहीं हुई क्योंकि उसने रोजे के आदाब की रियायत नहीं की। और फिर इरशाद फरमाया, वरुबकाइमिन, बहुत सारे रात उनको क्याम करने वाले रमजान मुबारक के महीने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनको सिवाय खड़े रहने के और थकावट के और कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, वजह क्या है उसकी, वजह ये है कि हमने दिन को रोजा भी रखा, रात को तरावी भी, क्याम भी किया, लेकिन अल्लाह ने रमजान मुबारक के महीने में रोजे की हालत में जिन चीजों से मना किया था हमने उस पर अमल नहीं किया। अब खुलासा क्या हुआ कि रोजे का मकसद क्या है, वो तकवा है, और तकवा का हुसूल क्या है, इन आदाब की रियायत है। अब इन आदाब की रियायत न रखने की वजह से हमने रोजे के मकसद को खो दिया, तो फिर हुआ क्या कि हम इस रमजान मुबारक के महीने में
हमने सारा 30 दिन भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन मकसद भी हासिल नहीं। दुनिया में इससे ज्यादा अहमक, इससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो सकता है कि पूरा महीना मुझे कोई बोल दे कि आप पूरा महीना भूखा प्यासा रहे, उसके एंड में मैं आपको जाके क्या करूंगा, 1 लाख रियाल कैश इनाम दूंगा, आप पूरा 1 महीना सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहे, मैं को मैं रेडी हूं। लेकिन उसे एक शर्त बीच में रखिए कि आपने भूखे पाप प्यासा तो रहना है, लेकिन एक शर्त ये है कि फॉर कोई भी शर्त कर ले कि आपने इसमें बोलना नहीं है या आपने इसमें कोई और अमल बता दे। अब मैं सारा रमजान, ये सारा महीना 30 दिन तो मैं भूखा रहूं प्यासा रहूं, लेकिन एंड पर वो जिस शर्त के ऊपर मुझे 1 लाख रुपए मिलने हैं, मैंने उस शर्त को तोड़ दिया, तो बेवकूफ बन गया। तो ऐसे ही रमजान मुबारक का पूरा महीना रोजे रखें, भूखा प्यासा रहे, रातों को क्याम करें, लेकिन जो मकसद है, जिसका हुसूल है, वो तकवा वो हासिल ना हो। ठीक है, इसलिए रोजा जितना बड़ा फर्ज है, अरकान इस्लाम में से अहम रुकन है, कि अगर एक रोजा कजा हो जाए तो पूरी जिंदगी के रोजे रखे उसकी कजा ही नहीं हो सकती। और जानबूझ के रोजा रखना तो यानी एक मुसलमान की जरूरत ही नहीं कर सकता कि जानबूझ के बगैर किसी उजर के तोड़ दे। तो इसलिए रोजे का जो असल मकसद है वो तकवा है, और तकवा का दारोमदार इन आमाल के ऊपर है। रोजे में दूसरा है कि रात को कियाम, तरावी, कियाम कियाम नफल है, और जो तरावी है ये सुन्नत मुअक्कद है तरावी, और तरावी में कुरान करीम की तिलावत करना। हदीस में आता है कि मन सामा रमजान वकामहु ईमानं व इहतिसाबा, दिन को जिसने रोजा रखा और रात को कियाम किया सवाब और अजर की नियत से अल्लाह की रजा के लिए, तो क्या फरमाया, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, उसकी गुज़श्ता सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। और इस रमजान मुबारक के महीने में रोजा, रात को कियाम, दो काम हो गए जिसके ऊपर मगफिरत का अल्लाह ने ऐलान फरमाया। इसके अलावा रोजे में जो एक और बड़ा अमल है वो है कुरान करीम की तिलावत करना, क्योंकि असल में ये रमजान मुबारक है ही शहरुल कुरान, इसको शहरुल कुरान ही कहा इसलिए गया क्योंकि अल्लाह ने कुरान भी इसी को नाजिल फरमाया। और हदीस में आते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहि सलातो सलाम रमजान मुबारक में नबी अलैहि सलाम के पास तशरीफ लाए और आपने 2 मरतबा पूरे कुरान करीम की तिलावत फरमाई, नबी अलैहि सलाम के साथ दौर फरमाया रमजान में। और हमारे अकाबरीन का, सलफ सालिहीन का, सहाबा किराम का, ताबीन का, तबा ताबीन का, उनका मामूल ये था कि रमजान मुबारक में रोजा तो रखना ही था कि रोजा उसमें फर्ज है। सबसे बड़ा अमल क्या होता था उनका, कुरान करीम की तिलावत। अगर कुरान पढ़े तो तिलावत करे, कुरान नहीं पढ़ा तो कुरान सीखे, किसी भी कुरान जानने वाले के पास बैठे और कुरान करीम सीखे। और हत्ता के हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और कई मुहद्दिसीन वो रमजान मुबारक के महीने में अहादीस की मजालिस लगाने, अहादीस पढ़ाने से भागते थे, ये अल्फाज हैं, यानी रमजान मुबारक के महीने में अब कोई हदीस बयान करे और मैं कहूँगा नहीं हदीस छोड़ दो कुरान की तिलावत करो, तो लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मुहद्दिस हो के वक्त के बड़े ताबीन हो के, तबा ताबीन हो के, वो क्या करते, मुहद्दिसीन कुरान करीम की तिलावत पे फोकस करते थे और अहादीस का दर्स देना भी छोड़ देते थे। इतनी बड़ी अजमत कुरान करीम की तिलावत की। तो ये कुरान करीम रमजान मुबारक जो इसमें बड़ा अमल है वो मैक्सिमम जितना हम उससे हो सके वो हम कुरान करीम की तिलावत करें। और कुरान करीम की तिलावत के साथ साथ इसमें हम जिक्र अजकार दुआ इनके ऊपर भी फोकस करें। अहादीस में 4 आमाल रमजान में बताए गए, 4 आमाल। एक क्या फरमाया, शहादत तो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की विर्द करना, तौहीद को बयान करना, अल्लाह का जिक्र करना, और दूसरा दुआ करना, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से अपनी जुबान में अल्लाह से माफी मांगे अपने गुनाहों की। और इसके अलावा तीसरी और चौथी चीज फरमाया कि जन्नत अल्लाह से मांगना, अल्लाह से जन्नत मांगना, अल्लाह मुझे आपने जन्नत अता फरमाना है, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। इतना बड़ा महीना है, हम अपने इस जिंदगी के बाद आने वाली जो
लामुतनाही और ना खत्म होने वाली जिंदगी जिसमें हमने रहना है, उसमें दो ही चीजें बस, या जन्नत है या जहन्नम है। तो हम इस महीने में अल्लाह से दुआ मांगने के, अल्लाह मेरे लिए मुझे जन्नत अता फरमा और जहन्नम से खलासी अता फरमा। तो ये चार अमाल हैं, अल्लाह का जिक्र करना, इस्तिगफार करना और जन्नत मांगना, जहन्नम से पनाह मांगना। ये चार अमाल बहुत जरूरी है, चार अमाल। और इसके अलावा सखावत, सदका, खैरात, ये बहुत बड़ा अमल है रमजान में। अहादीस में आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आम मामूल में जिंदगी में सदका खैरात, आप थे ही जब बात सदका करने वाले, खैरात करने वाले, लेकिन अहादीस में आते हैं कि रमजान मुबारक के महीने में आपका सदका खैरात और लोगों को देना वो जैसे जारी हवा होती है और तेज हवा आती है, उसकी तरह आपके खैरात, आपके सदकात, आपके ऐसे बढ़ जाते थे। जैसे हवा, उसकी सिफत क्या है, तेज हवा आती है, वो हर घर, हर दीवार, हर कोने, हर जगह तक पहुंच जाती है। तो रमजान मुबारक पे आप सलाम के अतियात हर गरीब के हर घर पे, घराने में पहुंच जाते थे, इतना रमजान मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम सदका फरमाते थे। तो अब सवाल ये है कि वो इतने बड़े अंबिया के सरदार होके वो रमजान मुबारक का एहतिमाम करे, उसका इस्तकबाल करे, और हम ख्वाब गफलत में, वो नबी अलैहिस्सलाम रमजान के महीने में सदका खैरात को बढ़ा दे और हम गफलत में, हम बखल करें, से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इन अमाल को करना इंतहाई जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चार लोगों की रमजान मुबारक में बख्शिश नहीं होती, चार लोगों की। अच्छा, सदका खैरात के हवाले से मैं एक चीज यहाँ पर और भी अर्ज करता हूँ कि आम रूटीन में तो हम करते हैं गरीबों के साथ, मदारिस के साथ और दूसरे नेक कामों में हम बढ़ चढ़ के हमारे मुसलमान हिस्सा लेते हैं। इस टाइम खास कर ये रमजान मुबारक को शहरे मुआसात भी कहा गया कि ये हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है, गरीबों का, लाचारों का, मसाकीन का, यतीम का, बेमाओं बेवाओं का, इनके घर घर तक जाना, इन तक राशन पहुंचाना, इनके लिए खुशियों का इंतजाम करना, इनके लिए माली सहूलत का इंतजाम करना, जो हमसे हो सके अपने बसात के मुताबिक। लेकिन इस टाइम वो बहसियत मजमुई उम्मत के, हमारे फलस्तीन के भाई, वो इंतहाई परेशान कुन हालत में, किसी से उनके हालात ढके छुपे नहीं। इसलिए पूरी दुनिया से, पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि जितना मैक्सिमम हो सके, कोई जान लगा सकता है, कोई माल लगा सकता है, माल पहुंचाए, कोई किसी के पास माल नहीं है, हाथ उठा सकता है, अल्लाह से दुआ तो कर सकता है, किसी और के दर पे जा सकता है कि आपको अल्लाह ने दिया है, जरा हमारे इन भाइयों की मदद करें। तो हम दुआ करते हैं कि इस जो रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह इन जालिमों से इनको छुटकारा अता फरमाए, अल्लाह इनकी नुसरत फरमाए, अल्लाह इनकी मदद फरमाए। तो अहले फलस्तीन की, अहले गजा की, अपने यतीम जो मसाकीन वहां पर बच्चे हैं, यतीम हैं, बेवाएं हैं, बूढ़े हैं, वहां पर जख्मी हैं, और जो अस्पतालों में हैं, इनके लिए रिहाइश नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पानी नहीं है उनके तक, एक एक टुकड़े के लिए बेचारे तरस रहे। तो इनकी मदद के लिए हम सब खड़े हों और जितना हमसे हो सकता है मैक्सिमम उनकी मदद करें। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी नुसरत फरमाए। तो रमजान मुबारक के बारे में के चार लोगों की बख्शिश नहीं होती रमजान मुबारक, इतना बड़ा महीना, इतना बड़ा महीना, चार लोगों की फिर भी बख्शिश नहीं है। अल्लाह हमें उनमें से शुमार न फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। पहला शख्स शराबी, इतना शराब पीना और ये अल्कोहल इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रमजान के महीने में भी इसके बख्शिश नहीं फरमाते। दूसरा जो है वो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन का नाफरमान। और तीसरा शख्स सारी रात नवाफिल पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करे, सारा दिन रोजा रखे, सारी नेकियां करे, लेकिन रिश्तेदारों के साथ कतारामी, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ उसकी अनबन है, बातचीत खत्म है, बातचीत तक की हद तक खत्म करना, सलाम दुआ की हद तक खत्म करना, ये कदा ताल्लुक है। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर रिश्तेदारों में कोई शरारत करने वाला, कोई तंग करने वाला कोई रिश्तेदार है, अब रिश्तेदारी भी है, कदा ताल्लुक भी नहीं कर सकते, हुक्म है,
लेकिन उसके शर से भी बच रहा है। तो अब क्या है कि उसके साथ हर वक्त जुड़े रहने आता, यानी खिलाफी का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त उसके साथ झप्पियां पाए और हर वक्त उसके साथ बैठे खाना पीना करें और हर वक्त आए जाए, नहीं। अपनी गैदरिंग को उसके साथ, अपने ताल्लुकात को जितना कम कर सके कम कर दे, लेकिन सलाम दुआ जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर बोल चाल जो है वो बंद ना करे, वो फिर कतारामे में आ जाता। तो इसलिए बीच में बाद लोग परेशान होते हैं, एक रिश्तेदार है परेशान भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सिलारामी का भी हुक्म है कि अगर मैं कतारामी करूंगा तो रमजान मुबारक जैसे महीने में फिर मेरी मफरत नहीं होगी। तो तीसरा शख्स जो सिलारामी को तोड़ता है तो फिर उस शख्स की भी मफरत नहीं होगी। और चौथा शख्स वही है जो दिल में किसी भी मुसलमान के बारे में कीना रखता है। सहाबा किराम कितना बड़ा एहतमाम फरमाते थे, और जो शुरू में हमने फरमाया तत्हीर कल्ब, अपने दिल को साफ करना। तो अगर रमजान मुबारक के रोजे, रातों को कियाम है, कुरान की तिलावत है, सदकात है, जिक्र अजकार है, सब कुछ है, लेकिन किसी एक मुसलमान के बारे में दिल में कीना है उसको हम निकालना, मगफिरत उसकी भी नहीं मुबारक मेरे में। ये बजाहिर छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ा माना रखते हैं कि पूरा महीना गुजर जाए और फिर हम अपनी बख्शिश न करवा लें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। रमजान मुबारक के बारे में हदीस में आता है, फरमाया कि लिस्साइमि फरहतान, लिस्साइमि फरहतान, फरमाया कि रोजादार के लिए अल्लाह ने दो खुशियां रखी, एक खुशी फरहतन अंद इफ्तारी, एक नेचुरल है कि जब वो रोजा खोलता है सारा दिन उसके वसाम, उसके अंदाम खाने पीने से खुश रहे, अब जब वो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अपना रोजा खोलता है, हलाल पर, हलाल पर जब वो रोजा खोलता है तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह उसे एक कुदरती, एक फितरी खुशी नसीब करता है। फरहतुन इंद लिकाए रब्बी, जब अल्लाह से मुलाकात करेगा तो अल्लाह फरमाएगा कि मेरे लिए भूखा रहा, मेरे लिए प्यासा रहा, मेरे लिए रातों को खड़ा रहा, आज इसकी बख्शिश। और रोजा तो वैसे भी रमजान मुबारक के बारे में आता है कि इसका पहला अशरा जो है वो रहमत का है, पूरा पहला अशरा, यानी पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत ही बरसती है, और दूसरा अशरा जो है दूसरे 10 दिन 21 से लेके 20 तक वो अल्लाह की मगफिरत का महीना है, मगफिरत के अय्याम है, इसमें खसूसी तौर पर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार की जाए। और आखिरी अशरा वो जहन्नम से खलासी का है, परवाना मिल। और हदीस में आता है, एक और हदीस है, फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि उतका फी कुल्ली लैला, अल्लाह अकबर, अल्लाह हर रात लाख के हिसाब से वो जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है अल्लाह उनको जहन्नम से अजाब निजात अता फरमाता है और जन्नत का उनको परवाना अता करता है। और फिर रमजान मुबारक की आखिरी रात में पूरे 29 दिन अल्लाह ने जितने लोगों को आजाद किया था, आखिरी रात में अल्लाह उन तमाम लोगों की तादाद की बराबर अल्लाह एक आखिरी रात में आजाद करता है। बड़ा महीना, अब इतनी बड़ी अल्लाह की तरफ से बख्शिशों के बस बहाने हैं, परवाने मिल रहे हैं, और हम फिर भी अगर अल्लाह ना करे हमारा हिसाब शुमार उन महीनों हो तरफ से जिनको परवाने मिल रहे हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। रमजान मुबारक के एक अमल और है जो मैं बताना शुरू में भूल गया, वो अमल क्या है कि हलाल कमाना। सारा दिन रोजा हो लेकिन शाम को इफ्तारी हराम के लुक्मे पर हो तो दुआ कहाँ कबूल होगी, इबादत कहाँ कबूल होगी, अंदर से हराम और बाहर से इबादत। इस तरह सुबह की जो रोजी है, सुबह की जो सेहरी है वो हराम के खाने पर हो। सुबह की सेहरी एक मामूली अमल नहीं है, रमजान मुबारक बहुत बड़ा अमल है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तसहरू फइन्न फीही बर, फरमाया कि सेहरी करो अल्लाह ने इसमें बरकत रखी, आपके हमारे और आपके जिस्म में जान में खैर आएगा। सेहरी का खाना खा के खैर का खाना है, हमारे जिस्म से सारा दिन निकलने वाले अमाल खैर के अमाल होंगे। और हदीस में आता है
अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ये हदीस तकरीबन 70 रावियों से रिवायत है, 70 रावी सरहालो फिर बरका। और फिर आपने एक और जगह अर्शाद फरमाया कि हमारे और दीगर लोगों के दरमियान यानी यहूद नसारा के दरमियान फरमाया कि फर्क किस चीज का है, वो भी रोजा रखते थे हम भी रोजा रखते हैं, वो सहरी नहीं करते हम सहरी करते हैं, सहरी नहीं करते थे रात को खाना अपने हिसाब किताब बराबर कर लेते थे। अब हम में से बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं सहरी का मतलब, बेशक आप थोड़ी देर के लिए सोए, ये कि आजान से पहले पहले यानी जब सुबह की नमाज का टाइम शुरू उससे पहले पहले कुछ देर के लिए उठना, और बेशक हम दो लोग भी क्यों ना करें ताकि उनकी बरकत को हासिल करें। अब हम में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं रात को खाना खा के सो जाते हैं कि सुबह क्या दोबारा उठना है, नमाज के लिए उठे जाएंगे, सुबह नींद से उठना फिर किचन जाना फिर पकाना और फिर तकलीफ करना, अभी वैसे भी खा रहे हैं और वैसे भी रात को 12 बज रहे हैं 1 बज रहे हैं तो अभी खा के सो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। रमजान मुबारक में एक खास अमल है सहरी करना, सहरी आम खाना पीना नहीं है कि भाई हमने पेट भरना है और सारा दिन भूखा रहना है, सहरी करना बाकायदा एक इबादत है, सहरी करना बाकायदा एक नेकी है और एक ऑथेंटिक हदीस से साबित है। तो इसलिए रमजान मुबारक में जो जो ये आमाल है इन सब आमाल को करना जरूरी है, हम अमल करेंगे। एक और चीज है रमजान मुबारक में के आखिरी अशरे में एतिकाफ है, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ यानी 21 की जब रात आती है, 21 की जब रात आती है तो 21 की रात सूरज गुरूब होने से पहले पहले हम जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद चले जाए, मस्जिद चले जाए, और फिर जब रमजान मुबारक का अगर महीना खत्म हो चाहे 29 पे खत्म हो या 30 पे खत्म हो, तो जब सूरज आखिरी रोजे का सूरज गुरूब हो जाए तो उसके बाद फिर वो मस्जिद से निकल सकते हैं। औरतें जो है एतिकाफ वो अपने घरों में करेंगे, एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा है, बहुत बड़ी सुन्नत है, और जिसने बाकायदा से 10 दिन एहतमाम के साथ इतिकाफ किया अल्लाह ताला ने उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो रमजान मुबारक में एक दुआ हम कसरत से करें कि जिसमें वो चारों चीजें जमा हो जाएंगी, जो हदीस में आता है कि चार काम करने का, पहला यानी जो दुआ है वो ये ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्ना व अऊजु बिका मिनन नार, अस्अलुकल जन्ना व अऊजु बिका मिनन नार। तो इस दुआ में चार, अगर ये दुआ मुख्तसर दुआ चार अल्फाज हम सीख ले तो जो रमजान में करने वाले चार आमाल हैं खास तौर पर ये अल्लाह ताला हमें अता फरमा देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व अऊजु बिका मिनन नार, ये दुआ हम सब याद कर लें, सुनने वाले भी सब याद कर लें और इस दुआ का एहतमाम करें। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला रमजान मुबारक की इन साआतों से जो आने वाली साआत हैं इनसे हमें मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाएं, और इसके लिए बेहतर ये है कि ये रमजान मुबारक का महीना शुरू होने से पहले अपने रमजान के जितनी भी खरीदो फरोख्त है खाने पीने के, एक महीने का राशन जमा करना कोई मुश्किल नहीं अगर अल्लाह ने वसूत दी है, और अगर किसी को मशाकिल है मुश्किल है एक पूरे महीने का नहीं खरीद सकते तो वो अलग बात है गुजर है, लेकिन बेहतर है कि पूरे महीने का राशन अपना खरीद ले, और ताकि रमजान की रातों में मुबारक सातों में हमें मार्केटों में बाजारों में घूमना फिरना ना करना, अगर हमने रमजान की आखिरी अशरा जो सबसे बेहतरीन अशरा है जिसमें लैलतुल कदर की एक रात है ताकरातों में, उन ताकरातों में इबादत मतलूब है और हम उन ताकरातों में मार्केटों में बाजारों में हम जा रहे हैं कपड़े खरीद रहे हैं बच्चों के लिए और ईद ईद के लिए अशिया खरीद रहे हैं, तो फिर हमारा वो वक्त उधर जाया ना हो, बहुत कीमती लम्हात हैं इन लम्हात हम कीमती बनाएं। और रमजान मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपनी जो दुनियावी मशागल है जो दुनियावी एक्टिविटीज हैं उनको जितना कम कर सकते हैं कम कर ले, और इसी तरह जो लोग अगर किसी इदारे के मालिक हैं और उनके साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं तो अपने काम करने वालों का काम भी रमजान मुबारक के महीने में कम कर दे ताकि उनके ऊपर दुनियावी मशागल का बोझ कम हो और वो अल्लाह की इबादत मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कर सके। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी रमजान मुबारक के इन साथ से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए।
और हमें भी अपनी पूरी एहतमाम के साथ, पूरी नशात के साथ, पूरी कुव्वत के साथ हम ये तहिया कर लें, अजम कर लें, कुछ भी हो इंशाअल्लाह मेरे रमजान मुबारक के रोजे रखने हैं, मेरे इनमें ये आमाल करने हैं। और अगर किसी दोस्त अहबाब से, किसी रिश्तेदार से कोई नाराजगी है, खफगी है, उनसे अपने आप को बचा ले। और इसी तरह सदका खैरात के, नवाफिल की, जिक्र अजकार की रमजान मुबारक के महीने में एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Gracias.